तो आज हम सरवाइव करने वाले हैं 100 डेज इन मशरूम ओनली वर्ल्ड। और ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे ना ही कोई ट्री स्पॉन होते हैं, ना ही कोई विलेजेस स्पॉन होते हैं। और आज मेरे साथ है मेरा छोटा भाई, जो कि पता नहीं क्यों बार बार मेरी वीडियो में आ जाता है। सहलेंगे थोड़ा सा। और आज हमें मिलके सरवाइव करना है 100 डेज, वो भी हार्डकोर में। तो क्या हम ये 100 डेज सरवाइव कर पाएंगे इन मशरूम ओनली वर्ल्ड? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिससे आप फ्री में माइंड कॉइन्स ले सकते हैं। एंड जल्दी एक अपडेट आने वाला है जिसमें आप फ्री में माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन को भी ले सकते हैं। बस आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके रूटर ऐप को डाउनलोड करना है और लॉगिन कर लेना है और कॉइन्स अर्न करना है। कॉइन्स अर्न करने के लिए आप काफ़ी सारी गेम्स की स्ट्रीम देख सकते हो, काफ़ी सारी डेली टास्क को कंप्लीट कर सकते हो और साथ ही अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करके भी कॉइन्स अर्न कर सकते हो। एंड अर्न कॉइन्स को आप माइंड कॉइन्स, स्ट्रीम कोड्स या माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में रिडीम कर सकते हो कूपन सेक्शन से। मैं तो यहीं से माइंड कॉइन्स और स्ट्रीम कोड्स को रिडीम करता हूँ, अब आप भी कर सकते हो। जाइए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके रूटर ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो डे वन को स्पॉन होते ही हम लोगों ने देखा कि हमारे आसपास यहाँ पे बड़े बड़े मशरूम्स है और काफ़ी सारे मशरूम काउज है। यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे ब्राउन मशरूम भी थे जिसकी हेल्प से हम मशरूम स्ट्यू बना सकते थे, बट हमारे पास यहाँ पे कोई भी बाउल नहीं था। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? लेकिन गाइस, इस बायोम की एक काफ़ी अच्छी बात है, वो ये है कि यहाँ पे हर तरफ मशरूम काउज है, यानी कि अपने को कभी भी खाने की तो कमी नहीं होने वाली थी। इसलिए हम लोगों ने काफ़ी देर तक काफ़ी सारे मशरूम काउज को मार के उनसे खाना कलेक्ट कर लिया। एंड गाइस, एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि ये जो मशरूम काउज होते हैं वो नॉर्मल काउ से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फास्ट दौड़ते हैं। एंड गाइस, हम लोग खाना कलेक्ट कर ही रहे थे कि इसी बीच मेरे भाई को यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड मिल गया जिसके अंदर थे दो प्यारी प्यारी एक्सोलॉट, एक थी येलो वाली और एक थी ब्राउन वाली। बट इन्हें कलेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई भी वाटर की बकेट नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पे एक निशानी लगा देंगे ताकि जब भी हमारे पास वाटर बकेट आ जाए हम आके इनको कैप्चर कर लेंगे। एंड गाइज, आप देख सकते हो अभी काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है लेकिन यहाँ पे कोई भी मॉब स्पॉन नहीं हो रहे हैं, जो कि इस बायोम की सबसे बड़ी एडवांटेज है कि यहाँ पे कोई भी स्केलेटन, क्रीपर, ज़ॉम्बी स्पॉन नहीं हो सकते हैं, एक्सेप्ट अगर यहाँ पे कोई स्पॉनर हो। एंड हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि हमें मिल गए यहाँ पे कुछ शुगर केन जिसे हमने फटाफट से कलेक्ट कर लिया। आगे मेरे भाई को भी यहाँ से कुछ शुगर केन्स मिल चुके थे जिसे वो कलेक्ट करने जा ही रहा था कि मैंने सोचा थोड़ी सी मस्ती कर ले इसके साथ, इसलिए मैंने यहाँ से फटाफट शुगर केन्स कलेक्ट कर लिए और उसके बाद उसे डर्ट से कवर कर दिया। लेकिन वो बात अलग है कि इसने मेरी जम के धुलाई भी करी। सांप को पाल रहा था। नेक्स्ट डे की प्यारी सुबह हो चुकी थी और हम लोग दोनों निकल गए थे सीधा एक माइनशाफ्ट ढूंढने के लिए, क्योंकि अभी एक माइनशाफ्ट एक ऐसा रास्ता है जहाँ से अपने को प्लैंक्स मिल सकते थे। यहाँ पे कोई भी और ऐसी जगह तो है ही नहीं, इसलिए हम लोग निकल गए सीधा माइनशाफ्ट को ढूंढने के लिए। हम लोगों ने काफ़ी देर तक काफ़ी सारे केव्स को एक्सप्लोर किया, काफ़ी सारे रेवीन को एक्सप्लोर किया, बट हमें यहाँ पे कोई भी माइनशाफ्ट नहीं मिल रही थी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। बट फाइनली काफ़ी देर ढूंढने के बाद हमें केव में एक माइनशाफ्ट मिल चुकी थी, जहाँ पे पहुँच के हमने यहाँ से फटाफट से कुछ प्लैंक्स को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। एंड थोड़ा बहुत प्लैंक्स कलेक्ट करने के बाद हमने अपने लिए एक क्राफ्टिंग टेबल बना लिया और उसकी हेल्प से एक वुडन की पिकैक्स बना ली। एंड थोड़ा बहुत कोबलस्टोन माइन करने के बाद मैंने हम दोनों के लिए एक स्टोन की स्वॉर्ड और एक स्टोन की पिकैक्स बना ली। अब बारी थी इस माइनशाफ्ट को एक्सप्लोर करने की, बट हमें काफ़ी सारे टॉर्च की ज़रूरत थी। एंड लकीली हमें काफ़ी सारे यहाँ पे कोल मिल गया जिसे हमने फटाफट से कलेक्ट कर लिया। एंड उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे अपने लिए काफ़ी सारे टॉर्चेस बना लिए। एंड टॉर्च बना के मैं आगे बढ़ ही रहा था कि इसी बीच मैंने देखा यहाँ पे किव स्पाइडर आ चुकी थी हम पे अटैक करने के लिए, यानी कि यहीं पे आसपास कहीं पे किव स्पाइडर का स्पॉनर है। थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे यहाँ पे मिल चुकी थी एक चेस्ट जिसके अंदर से मुझे काफ़ी सारे ग्लोबेरीज मिली, एक आयरन की पिकेक्स मिली और कुछ टॉर्चेस मिले। आगे मेरे जस्ट सामने यहाँ पे एक केव स्पाइडर का स्पॉनर था, जहाँ पे पहुँच के मैंने यहाँ से जितनी भी स्ट्रिंग्स थी उन सबको कलेक्ट कर लिया, क्योंकि इसकी हेल्प से हम इजिली बेड बना सकते थे। Nice. अब बारी थी अपने आप को अपग्रेड करने की, अपने टूल्स को अपग्रेड करने की, इसलिए हम लोग आयरन की माइनिंग करने लग गए। एंड आगे चल के मैं आयरन की माइनिंग कर ही रहा था कि इसी बीच मैंने देखा कि हमारा जो माइनशाफ्ट है वो कनेक्टेड है एक रवीन के साथ। एंड जैसे टॉर्च लगा के मैंने रवीन में चेकआउट किया, यहाँ पे मुझे दिख गए थे कुछ चमचमाते हुए डायमंड्स। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन इन चमचमाते हुए डायमंड्स को माइन करने के लिए हमें चाहिए थे एक वाटर बकेट ताकि हम इजीली रवीन के अंदर जा सके, इसलिए हम लोग फिर से लग गए थे काफी सारा आयरन कलेक्ट करने में। एंड काफी देर तक काफी सारा आयरन माइन करने के बाद हमने उन्हें स्मेल्ट करने के लिए रख दिया और उसकी हेल्प से मैंने हम दोनों के लिए एक फुल्ली आयरन का आर्मर, साथ ही आयरन के टूल्स प्रिपेयर कर लिए। एंड इसी के साथ अब हमारे पास एक फुल्ली आयरन का आर्मर भी आ चुका था।
एंड उसके बाद आयरन की हेल्प से मैंने हम दोनों के लिए एक एक वाटर की बकेट प्रिपेयर कर ली और मेरे भाई को भेज दिया ताकि वो वाटर कलेक्ट करके ला सके। एंड थोड़ा देर वेट करने के बाद जैसे मेरे भाई ने वाटर कलेक्ट करके लाया, आपके भाई ने यहाँ पे एक ओपी वाला एमएलजी किया एंड मेरा भाई भी अभी काफी अच्छे से एमएलजी करना सीख गया है। रविन में पहुंचते मैंने यहाँ से फटाफट से डायमंड्स को माइन करना स्टार्ट किया, बट हमें यहाँ से सिर्फ दो ही डायमंड्स मिले। बट हमें ऐसा लगा कि ये रविन काफी ज्यादा बड़ी है और हमें यहाँ पे और भी डायमंड्स मिल सकते हैं, इसलिए हम लोग आगे बढ़ने लग गए। एंड लकीली गाइस हमें आगे दिख गए थे कुछ प्यारे चमचमाते हुए डायमंड, जिसे हमने जाके चेकआउट किया और यहाँ से हमें मिल चुके थे टोटल 6 डायमंड्स। अब बारी थी माइनशॉप से बाहर निकलने की, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने सोचे कि यहाँ से जितने भी फैंस है, जितने भी प्लांट्स है, उनको कलेक्ट कर लेते, ये अपने को आगे चल के काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। एंड काफ़ी दिनों की तगड़ी माइनिंग करने के बाद हम लोग आ चुके थे माइनशॉप से बाहर। बाहर पहुँचते ही मेरे पास जितने भी स्ट्रिंग्स थे मैंने उन सबको वुल में कन्वर्ट कर लिया और हम दोनों के लिए एक एक बेड प्रिपेयर कर लिए। एंड उसके बाद हम लोग सीधा चले गए सोने के लिए। नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मैंने दो चेस्ट प्रिपेयर किए एंड जितना भी सामान मेरे इन्वेंट्री में था मैंने उसे चेस्ट में ट्रांसफर कर दिया। और इसी बीच मैंने देखा कि मेरा खाना टोटली खत्म हो चुका है, इसलिए हम दोनों लग गए थे फिर से काफी सारे मशरूम काउस को मारने में। मगर क्यों? एंड हम लोगों ने काफी देर तक काफी सारे मशरूम काउस को मार के एक ही बार में काफी सारा खाना कलेक्ट कर लिया एंड उन्हें कुक होने के लिए रख दिया, जिसकी हेल्प से हम इजीली काफी सारी हेल्थ बढ़ा सकते थे। उसके बाद हम दोनों निकल गए कुछ और शुगर केन्स को ढूंढने के लिए, क्योंकि पिछली बार जो हमें शुगर केन्स मिले थे वो बहुत ही ज्यादा कम थे और हमें काफी सारे की जरूरत थी। एंड हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि इसी बीच हम लोग पहुंच चुके थे हमारे पुराने वाले पॉन्ड में, जहाँ पे पिछली बार हमने निशानी लगाई थी, जहाँ पे पिछली बार हमें मिले थे दो प्यारे प्यारे एक्सोलॉटल। बट इस बार हमारे पास वाटर बकेट है बट हमारे दोनों एक्सोलॉटल नहीं। एंड काफी देर ढूंढने के बाद भी हमें यहाँ से कोई भी शुगर केन्स नहीं मिला, इसलिए हम लोग पहुंच चुके थे सीधा अपने बेस पे। अपने बेस पे पहुंच के हमने यहाँ से कुछ डर्ट को कलेक्ट किया एंड फटाफट से अपने लिए यहाँ पे छोटा सा शुगर केन फार्म प्रिपेयर कर लिया। अब बारी थी नेदर में जाने की, जिसके लिए हमें चाहिए थे कुछ ऑब्सिडियन, इसलिए जितने भी डायमंड्स मेरे पास थे उसकी हेल्प से मैंने हम दोनों के लिए एक एक डायमंड की पिकेक्स बना ली। और उसके बाद हम लोग आ चुके थे उसी रवीन में काफी सारा ऑब्सिडियन माइन करने के लिए। एंड काफी देर तक काफी सारा ऑब्सिडियन माइन करके हम लोग पहुंच चुके थे सीधा अपने बेस पे। अपने बेस पे पहुंच के मैंने फटाफट से एक नेदर पोर्टल प्रिपेयर कर लिया, जिसे मेरे भाई ने लाइट अप कर दिया और हम लोग सीधा चले गए सोने के लिए। नेक्स्ट डे की सुबह होते ही हम लोग सीधा निकल गए नेदर के लिए, नेदर को एक्सप्लोर करने के लिए। और नेदर में पहुंचते ही हम लोग ने देखे कि हम लोग काफी ठीक ठाक जगह पे स्पॉन हुए हैं, जो कि था एक सोल सैंड वाला बायोम। थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे यहाँ पे काफी सारे बोन के ब्लॉक्स दिख रहे थे, बट इनकी हिफाजत ये दोनों स्केलेटन्स कर रहे थे जो कि वन बाय वन मुझे मारे जा रहे थे। बट जैसे तैसे करके मैंने उन दोनों को निपटा दिया और उसके बाद जितने भी यहाँ पे बोन के ब्लॉक्स थे जिसे मैंने फटाफट से कलेक्ट कर लिया, ये अपने को शुगर किन्स ग्रो करते टाइम पे काफी ज्यादा काम आएगा। आगे हमें यहाँ पे काफी सारा गोल्ड मिल गया, जिसे हमने फटाफट से कलेक्ट कर लिया, क्योंकि हम कोई भी गोल्ड का आर्मर नहीं पहन के आए थे और अगर हमें पिगड़ी ने देख लिया सबकी उल्टी गिनती चालू। एंड काफी सारा गोल्ड माइन करने के बाद हम लोग आ चुके थे सीधा अपने बेस पे। अपने बेस पे पहुंच के जितने भी मैं नगेट्स लेके आया था मैंने उन सबको इंगट में कन्वर्ट कर लिया और अपने लिए एक बूट प्रिपेयर कर लिया। और हम लोग फिर से आ चुके थे नेदर में। एंड इस बार नेदर में आते ही हमें यहाँ पे मिल चुका था एक रुइन पोर्टल, जिसे मैंने जाके फटाफट से चेकआउट किया, जहाँ पे एक चेस्ट थी जिसके अंदर हमें हमेशा की तरह कूड़ा ही मिला। सिर्फ वहाँ पे एक काम का गोल्ड का ब्लॉक था जिसे मैंने फटाफट से कलेक्ट कर लिया और हम लोग आगे बढ़ने लग गए। एंड घूमते घूमते हम लोग पहुंच चुके थे एक क्रिम्सन बायोम में, जहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते ही हमारे जस्ट सामने था एक ब्लैक स्टोन वाला बेस्टन, जहाँ पे पहुंचते ही हमें यहाँ पे दिख गए कुछ एक्सपोज गोल्ड के ब्लॉक, जिसे हमने फटाफट से कलेक्ट कर लिया। और मैंने अपने भाई को बोल दिया कि यहाँ पे पीछे से मुझे प्रोटेक्शन दे, क्योंकि पिगड़िन हम पे कभी भी अटैक कर सकते हैं। बट स्टिल मेरे भाई मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और यहाँ पे काफी सारे पिगड़िन ब्रूट्स आ चुके थे, काफी सारे पिगड़िन आ चुके थे, बट जैसे तैसे करके मैंने उन्हें निपटा दिया। तुमसे ना हो पाएगा। एंड इसी बीच मेरे भाई को यहाँ पे मिल चुके थे कुछ दफनाए हुए काफी सारे गोल्ड के ब्लॉक, जिसे मैंने फटाफट से कलेक्ट कर लिया। और थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे यहाँ पे मिल चुकी थी एक चेस्ट, जिसके अंदर से मुझे कुछ गोल्ड का आइटम मिला, एक एंशियंट डेब्रिस मिला और काफी सारा एरो मिला। आगे मुझे यहाँ पे एक और एक चेस्ट मिली, जिसमें से मुझे सिर्फ गोल्डन कैरेट्स काम का मिला और कुछ गोल्ड मिला। आगे हमें बहुत सारी चेस्ट मिली, जिसके अंदर से हमें काफी अच्छी अच्छी लूट मिली। और हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि इसी बीच मेरे भाई को एक चेस्ट मिली, जिसके अंदर थी एक डायमंड की शॉवेल, बट वो बात अलग है कि उसकी हेल्थ बहुत ही ज्यादा कम थी। आगे मुझे एक और एक चेस्ट मिली, जिसके अंदर से भी मुझे एक एंशियंट डेब्रिस मिल गया। एंड उन सबको कलेक्ट करके हम लोग सीधा निकल गए अपने बेस के लिए।
अपने बेस पे पहुंच के हम लोग सीधे निकल गए इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि इस वर्ल्ड को हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया था। एंड थोड़ा आगे बढ़ते हमें यहाँ पे मिल चुकी थी एक नई माइन शाफ्ट, जहाँ पे पहुंचते ही मुझे एक चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे काफी सारे ग्लोबेरीज और एक गोल्डन एप्पल मिला। एंड बेसिकली हम लोग इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए इसलिए निकले थे क्योंकि अभी हमें काफी सारे रिसोर्सेज की जरूरत थी। एंड आगे मुझे एक चेस्ट मिली जिसमें से मुझे काफी सारा आयरन, कुछ लैपिस लाजुली और कुछ टॉर्च मिले। एंड उन सबको कलेक्ट करके मैं आगे बढ़ ही रहा था कि इसी बीच मुझे यहाँ पे मिल गए कुछ डायमंड्स, जिसे मैंने फटाफट से कलेक्ट किया। एंड यहाँ से मुझे काफी सारे डायमंड्स मिले। एंड डायमंड्स को कलेक्ट करके मैं आगे बढ़ ही रहा था कि इसी बीच मुझे यहाँ पे मिल चुका था एक केव स्पाइडर का स्पॉनर, जहाँ से जितने भी स्ट्रिंग्स थी मैंने उन सबको कलेक्ट कर लिया। इसके हेल्प से हम बेड बना के नेदर में तबाही मचा सकते थे। मस्त प्लान है। आगे बढ़ते मुझे यहाँ पे एक और चेस्ट मिली जिसमें से मुझे कुछ और ग्लोबेरीज और कुछ लैपिस लाजुली मिले। आगे बढ़ते मुझे यहाँ पे कुछ और डायमंड्स मिले जो कि थे टोटल 4 डायमंड, जिसे मैंने फटाफट से कलेक्ट कर लिया। एंड माइनशाफ्ट से आगे बढ़ते ही हम लोग पहुंच चुके थे एक केव में जो कि काफी ज्यादा बड़ी थी और यहाँ पे चांसेस काफी ज्यादा है डायमंड के मिलने के। एंड इसी बीच हमें यहाँ पे बड़ा सा लावा का पुल मिला जहाँ पे पानी डाल के हम लोग आगे बढ़ने लग गए। एंड पानी डाल के आगे बढ़ते बढ़ते मुझे यहाँ पे दिख गए कुछ और डायमंड, जिसे मैंने फटाफट से कलेक्ट किया। यहाँ से मुझे टोटल 3 डायमंड मिले। एंड थोड़ा देर घूमने के बाद मेरे भाई को भी यहाँ से काफी सारे डायमंड्स मिल चुके थे जिसे उसने कलेक्ट कर लिया। लिटरली गाइस, ये जो हमारी माइनशाफ्ट और केव थी ये हमारे लिए काफी ज्यादा लकी थी क्योंकि हमें बारी बारी काफी सारे डायमंड्स और काफी सारे रिसोर्सेज मिल रहे थे। एंड उन सबको कलेक्ट करके हम लोग आगे बढ़ रहे थे कि हम लोग को मिल गया यहाँ पे एक रुइन पोर्टल। एंड लिटरली गाइस, ये टोटली केव के अंदर स्पॉन हुआ था एक रुइन पोर्टल, जहाँ पे मैंने चेस्ट को चेकआउट किया जहाँ पे मुझे कुछ खास नहीं मिला। एंड उसके बाद यहाँ से हमने फटाफट से गोल्ड के ब्लॉक को कलेक्ट कर लिया और हम लोग आ चुके थे सीधा अपने बेस पे। अपने बेस पे पहुंच के जितने भी डायमंड्स मेरे पास थे उसकी हेल्प से मैंने हम दोनों के लिए फुली डायमंड के टूल्स प्रिपेयर कर लिए। एंड नेदर में पिगडिन से लड़ते लड़ते मेरा टोटली आर्मर डिस्ट्रॉय हो चुका था, इसलिए जितना भी आयरन मेरे पास था उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए एक फ्रेश नया आयरन का आर्मर प्रिपेयर कर लिया। एंड उसके बाद हम लोग अपने शुगर केन फार्म पे काम करने लग गए। नीचे पिछली बार मैंने डर्ट लगाया था, फिर मुझे याद आया कि अगर वो डर्ट माइसेलियम में अगर कन्वर्ट हो गया तो हमारे शुगर केन रिस्पॉन हो सकते हैं, इसलिए मैंने उसे सैंड के साथ रिप्लेस कर दिया। और हमें काफी सारे बोन के ब्लॉक्स मिले थे जिसे हमने बोन मिल में कन्वर्ट कर दिया और शुगर केन्स पे मार के काफी सारे शुगर केन्स कलेक्ट कर लिए क्योंकि अभी हमें सेटअप करना था मैक्स 30 लेवल वाला एन्चेंटमेंट टेबल। एंड काफी देर तक काफी सारा शुगर केन्स कलेक्ट करने के बाद मैंने काफी सारी बुक्स बनाई और उसकी हेल्प से बुकशेल्फ बना के फाइनली एक मैक्स 30 लेवल वाला एन्चेंटमेंट टेबल भी सेटअप कर दिया। उसके बाद हम लोग आ गए थे नेदर में काफी सारा कॉर्ड्स कलेक्ट करके एक्सपीज बढ़ाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी हम अपने आर्मर या टूल्स को एन्चेंट करने वाले, तो ऐसा नहीं है। अभी हमें चाहिए था एक सिल टच वाली एन्चेंटमेंट जिसकी हेल्प से हम अपने लिए एक प्यारा सा मशरूम का हाउस बनाने वाले थे। एंड काफी सारे कॉर्ड्स कलेक्ट करने के बाद मैंने अपने एक्स को एन्चेंट करने का ट्राई किया बट मुझे यहाँ पे कोई भी सिल टच नहीं मिला। A few moments later. But finally, काफी देर वेट करने के बाद मेरे भाई को मिल चुका था सिल टच वाला एन्चेंटमेंट, वो भी उसके आयरन की एक्स पे। उसके हेल्प से यहाँ पे जितने भी मशरूम्स थे हम उनको तोड़ के इनसे ब्लॉक्स कलेक्ट कर रहे थे क्योंकि अब हम बनाने वाले थे एक प्यारा और खूबसूरत सा मशरूम हाउस। एंड इन मशरूम्स को कलेक्ट करने के लिए सिल टच वाली एन्चेंटमेंट काफी ज्यादा जरूरी है। एंड इन सबको कलेक्ट करने के बाद हम लोग आ गए थे नेदर में काफी सारा वार्प वाला लॉक्स और क्रिम्सन वाला लॉक्स कलेक्ट करने के लिए। एंड काफी देर तक काफी सारा रिसोर्सेज कलेक्ट करने के बाद हमने अपना प्यारा और खूबसूरत सा मशरूम हाउस बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड काफी देर वेट करने के बाद फाइनली हमारा प्यारा और खूबसूरत सा मशरूम हाउस बन के रेडी हो चुका था।
एंड गाइस आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा मशरूम हाउस कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। साथ ही हमने हमारे पीछे साइड पे एक मशरूम थीम बेस वाला एंटरटेनमेंट टेबल भी सेटअप किया है, ये भी कैसा लगा हमें जरूर बताना। मैं नहीं बताऊंगा, मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। अब बारी थी फोर्ट्रेस जाके काफी सारे ब्लेज रॉड्स कलेक्ट करके लाने की, इसलिए जितने भी हमारे पास गोल्ड के ब्लॉक्स थे उसे लेके हम लोग सीधा निकल गए नेदर में एक फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए। एंड हम लोग गोल्ड का ब्लॉक इसलिए लेके जा रहे थे कि हम पिगलिंस के साथ ट्रेड करके काफी अच्छी अच्छी चीजें ले सकते थे। एंड नेदर में पहुंच के लकीली हम पहुंच चुके थे क्रिम्सन वाले बायोम में, जहाँ पे पहुंचते ही हम उनको गोल्ड देके उनके साथ ट्रेडिंग करने लग गए, क्योंकि इनके पास से हमें काफी सारे फायर रेजिस्टेंस वाले पोर्शन मिल सकते हैं। एंड काफी देर वेट करने के बाद हमें यहाँ से कुछ इतना सारा सामान मिल चुका था। ये सब कलेक्ट करके हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि इसी बीच हम लोग पहुंच चुके थे एक वाप फॉरेस्ट वाले बायो में, जहाँ पे पहली बार हमें वाप फॉरेस्ट में मिल चुका था एक नेदर फोर्ट्रेस। क्या गाइस आप लोगों को भी वाप फॉरेस्ट में कभी नेदर फोर्ट्रेस मिला है हमें कमेंट में जरूर बताना। फोर्ट्रेस में अंदर पहुंचते ही हमें एक चेस्ट मिली जिसके अंदर से हमें ये तो टट्टी है। आगे बढ़ते हमें यहाँ पे सामने कुछ ब्लेज दिख रहे थे, इसलिए जितने भी पोर्शन हमारे पास थे हमने उसे फटाफट से पी लिया और यहाँ पे जितने भी ब्लेज थे उन सबको धोपना स्टार्ट कर दिया। एंड गाइस ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, अगर आपके पास कोई भी फायर रेजिस्टेंस वाला पोर्शन है ये ब्लेज आपको छू भी नहीं पाएंगे। आगे बढ़ते हम यहाँ पे मिल चुका था एक ब्लेज का स्पॉनर, जहाँ पे पहुंचते ही यहाँ पे जितने भी ब्लेज थे उन सबको मार के हमने सारे ब्लेज रॉड्स को कलेक्ट कर लिया। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें यहाँ पे मिल चुका था एक नेदर वॉट वाला रूम, जहाँ से हमने सारे नेदर वॉट्स को कलेक्ट कर लिया। आगे हमें यहाँ पे एक और एक चेस्ट मिली जिसमें से हमें कुछ नेदर वॉट्स और कुछ गोल्ड मिले। आगे हमें कुछ और फालतू की चेस्ट मिली जिसमें से हमें हमेशा की तरह फालतू का आइटम ही मिला। एंड इन सबको कलेक्ट करके हम लोग सीधा निकल गए अपने घर के लिए। अपने वर्ल्ड पे पहुंच के हमने कुछ और मशरूम काउस को मार के थोड़ा बहुत और खाना कलेक्ट किया। पता नहीं क्यों गाइस हमारा इस वर्ल्ड में खाना काफी जल्दी से खत्म हो रहा था, इसलिए हमने फटाफट से काफी सारे मशरूम काउस को मार के उनसे काफी सारा खाना कलेक्ट कर लिया। एंड गाइस यार आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, ऐसे वीडियोस बनाने बहुत ज्यादा टाइम लगता है, सो प्लीज फटाफट से जाके सब लोग वीडियो को लाइक कर दो। अब बारी थी अपने आपको फुली डायमंड में कवर करने की, इसलिए हम लोग जाने वाले थे एक स्ट्रिप माइनिंग करने के लिए। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपनी पिकैक्स पे एन्चेंटमेंट लगा दे, और लकीली मुझे अपने पिकैक्स पे मिल चुकी थी फॉर्च्यून 3, जिसकी हेल्प से हमें एक के बदले टोटल 3 डायमंड्स मिल सकते थे। इसलिए हम लोग आ गए थे अपने घर के पीछे वाली केव में स्ट्रिप माइनिंग करने के लिए। एंड 12 कोऑर्डिनेट्स पे पहुंच के जब मैं अपनी स्ट्रिप माइनिंग कर रहा था, इसी बीच मैंने देखा कि मैं पहुंच चुका हूँ एक बड़े से लावा पूल के पास, जहाँ पे सामने मुझे दिख गए कुछ डायमंड, जिसे मैंने जाके फटाफट से अपने फॉर्च्यून 3 वाली पिकैक्स से कलेक्ट कर लिया और अपनी स्ट्रिप माइनिंग को कंटिन्यू करने लग गया। एंड फाइनली काफी दिनों की तगड़ी डायमंड की माइनिंग करने के बाद मेरे पास हो चुके थे टोटल 59 डायमंड्स और मेरे भाई के पास हो चुके थे टोटल 46 डायमंड्स, जिसकी हेल्प से मैंने फटाफट से हम दोनों के लिए एक फुली डायमंड का आर्मर प्रिपेयर कर लिया। एंड इसी के साथ अब हमारे पास एक फुली डायमंड का आर्मर भी आ चुका था। अब बारी थी इस आर्मर को एन्चेंट करके और भी ज्यादा पावरफुल बनाने की, इसलिए हम लोग आ गए थे नेदर में क्वार्ट्स कलेक्ट करके एक्सपीस बढ़ाने के लिए। एंड हम लोगों ने काफी देर तक काफी सारे क्वार्ट्स को माइन करके एक्सपीस कलेक्ट करी एंड अपनी एन्चेंटिंग चालू कर दी। मैंने सबसे पहले अपने पैंट्स को एन्चेंट करना स्टार्ट किया, जहाँ पे मुझे प्रोटेक्शन 3 मिली। उसके बाद मैंने अपने हेलमेट को एन्चेंट किया, जहाँ पे मुझे प्रोटेक्शन 4 के साथ एक्वा एफिनिटी मिला। फिर मैंने अपने बूट को भी एन्चेंट किया, जहाँ पे मुझे कुछ भी खास नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने अपने चेस्ट प्लेट को एन्चेंट किया, जहाँ पे मुझे प्रोटेक्शन 4 मिला। और इस बार अपने बूट को एन्चेंट करने पे मुझे गाइस फाइनली मैक्स लेवल वाला एन्चेंटमेंट मिल गया था। अब बारी थी अपने टूल्स को एन्चेंट करने की। मैंने सबसे पहले अपने स्वॉर्ड को एन्चेंट किया, जहाँ पे मुझे सिर्फ नॉकबैक मिला और मेरी एक्सपीज भी खत्म हो गई थी, इसलिए थोड़ी बहुत एक्सपीज और कलेक्ट करने के बाद मैंने अपने एक्स को एन्चेंट किया, जहाँ पे मुझे शार्पनेस 3 के साथ एफिशिएंसी 4 मिला। मैंने अपने शोवल को भी एन्चेंट किया, जहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट मैक्स लेवल वाली एन्चेंटमेंट मिली। एंड फाइनली इस बार अपने स्वॉर्ड को एन्चेंट करने पे गाइस अपने को मिल चुका था शार्पनेस 4 के साथ अनब्रेकिंग 3। एंड उसके बाद मेरे भाई ने भी अपने टूल्स और आर्मर को एन्चेंट किया, जहाँ पे उसे काफी अच्छी अच्छी एन्चेंटमेंट मिली। अब बारी थी अपने आपको और भी ज्यादा पावरफुल बनाने की, यानी कि अपने आपको फुली नेथराइट में कवर करने की। इसलिए जितने भी मेरे पास स्ट्रिंग्स थे मैंने उन सबको वुल में कन्वर्ट कर दिया और उनकी हेल्प से मैंने अपने लिए काफी सारे बेड्स बना लिए। एंड थोड़ा बहुत पोशंस कलेक्ट करने के बाद हम लोग सीधा निकल गए नेदर में तबाही मचाने के लिए। बट इसी बीच हमें यहाँ पे मिल चुके थे हमारे प्यारे वेंडरिंग ट्रेडर, जो कि अपने को दे रहे थे 5 एमरल्ड के बदले एक सैपलिंग। बट हमारे पास तो एमरल्ड थे ही नहीं, इसलिए हमें उनकी जम की धुलाई करनी पड़ी।
एंड थोड़ा बहुत पोर्शन कलेक्ट करके हम लोग आ गए थे सीधा नेदर में 8 to 10 कोऑर्डिनेट्स पे एंशिएंट डेब्रिस की माइनिंग करने के लिए, जहाँ पे हमने बेड लगा के यहाँ पे तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया। एंड हम लोग बार बार बेड लगा के यहाँ पे तबाही मचाते जा रहे थे और जितने भी हमें एंशिएंट डेब्रिस मिल रहे थे उन सबको कलेक्ट करते जा रहे थे। And काफी दिनों की तगड़ी एंशिएंट डेब्रिस की माइनिंग करने के बाद मेरे पास हो चुके थे टोटल 39 एंशिएंट डेब्रिस और मेरे भाई के पास हो चुके थे टोटल 30 एंशिएंट डेब्रिस, जिसे हमने फटाफट से स्मेल्ट करने के लिए रख दिया और उनके स्मेल्ट होते ही उन सबको इंगट में कन्वर्ट करके उसे आधा आधा बांट लिया एंड सारे नेथराइट के इंगट को अपने आर्मर और टूल्स पे लगा के अपने आप को फुल्ली नेथराइट में कवर कर लिया। एंड इसी के साथ अब हमारे पास एक पावरफुल एंशिएंटेड नेथराइट आर्मर भी आ चुका था। अच्छा, उसके बाद मैंने अपने लिए एक बो बनाया और उसे अपने इंचेंटमेंट टेबल पे जाके उसे इंचेंट कर दिया, बट मुझे यहाँ से सिर्फ पावर 3 मिला। थोड़ी बहुत और स्पीस कलेक्ट करने के बाद जब मैंने अपनी बो को इंचेंट किया उस पर लिटरली गाइस मुझे मिल चुकी थी मैक्स लेवल वाली इंचेंटमेंट, जिसमें एक इन्फिनिटी भी थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे फोर्ट्रेस में विदर स्कल्स को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमें हराना था विदर को, जिसके लिए हमें चाहिए थे टोटल 3 विदर स्कल्स। इसलिए यहाँ पे जितने भी काले स्केलेटन्स थे हमने उन सबको धोपना स्टार्ट कर दिया। काफी सारे स्केलेटन्स को मारने के बाद टोटल 3 विदर स्कल्स के साथ हम लोग पहुंच चुके थे अपने घर पे। उसके बाद मैं लग गया था थोड़े बहुत पोशंस प्रिपेयर करने के लिए और मेरा भाई निकल गया था थोड़ा बहुत एंडर पर्ल्स कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अब बारी थी एंडर ड्रैगन को हराने की। उसके बाद मैंने हम दोनों के लिए कुछ स्ट्रेंथ के पोशंस बना लिए और इसी बीच मेरा भाई लेके आ गया था नेदर में से काफी सारे एंडर पर्ल्स, जिसे मैंने ब्लेज पाउडर के साथ कंबाइन करके काफी सारे आई ऑफ एंडर बना लिए और उसे लेके हम लोग सीधा निकल गए एक स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए, क्योंकि अब बारी आ चुकी थी एंडर ड्रैगन को हराने की। एंड फाइनली काफी देर ढूंढने के बाद हमें मिल चुका था स्ट्रॉन्ग होल्ड, जहाँ पे अंदर पहुंचते ही हमें एक चेस्ट मिली जिसमें से हमें एक एंडर पर्ल, कुछ ब्रेड्स और एक पिकैक्स मिली आयरन की। आगे हमें एक और एक चेस्ट मिली जिसके अंदर से हमें 2 एप्पल्स मिल गए। एंड थोड़ा आगे बढ़ते हमें यहाँ पे मिल चुकी थी एक बड़ी सी लाइब्रेरी, जहाँ पे एक चेस्ट भी थी जिसमें से मुझे एक प्रोटेक्शन 3 की, एक शार्पनेस 4 की बुक मिली और कुछ और बुक्स और पेपर मिले। आगे हमें एक और एक चेस्ट मिली जिसमें से हमें एक रिप्टाइड 2 की बुक मिली, कुछ और पेपर मिले। एंड फाइनली काफ़ी देर ढूंढने के बाद हमें मिल चुका था यहाँ पे एंड पोर्टल, जहाँ पे एंड पोर्टल के पास पहुँचते ही सबसे पहले हमने यहाँ पे स्पॉनर को तोड़ा और जितने भी आई ऑफ एंडर मेरे पास थे उसे लगा के फाइनली मैंने एंड पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया। एंड उसके बाद हम दोनों सीधा निकल गए एंड में एंडर ड्रैगन को हराने के लिए। एंड का जब हम लोग एंड में पहुंचे हम लोगों ने देखा कि इस वर्ल्ड में कुछ तो ग्लिच हो गया है, क्योंकि आसपास नाइट विजन वाला इफेक्ट जैसा दिख रहा था और यहाँ पे कोई भी एक भी एंडरमैन यहाँ पे नहीं था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक एंडर ड्रैगन था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंड क्रिस्टल को फोड़ना स्टार्ट कर दिया। मेरे पास एकदम ओपी बो थी जिसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे जितने भी एंड क्रिस्टल थे उन सबको फोड़ दिया। एंड सारे क्रिस्टल फोड़ने के बाद हमने फटाफट से स्ट्रेंथ का पोशन पी लिया और एंडर ड्रैगन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। उसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा फास्ट जा रही थी और उसके बाद जैसे ही वो उड़ने लगा हमने बो से भी अटैक करके उसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम कर दी। एंड फाइनली जैसे ही वो आके नीचे बैठा हमने थोड़ा बहुत अटैक उस पर किया एंड इसी के साथ हमने यहाँ पे एंडर ड्रैगन का गेम ख़त्म कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जितने भी एक्सपीस थी मैंने फटाफट से उनको बटोर लिया और नीचे टॉर्च लगा के फटाफट से यहाँ पे एंडर ड्रैगन के एग को भी कलेक्ट कर लिया। अब बारी थी विदर को हराने की एंड ऑलरेडी मैं 3 विदर स्कल्स लेके आया था, इसलिए मैंने फटाफट से एक विदर किलिंग चैम्बर बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड जैसे ही हमारा किलिंग चैम्बर बन गया मैंने अपने भाई से कुछ सोल सैंड ले लिए, लकीली वो सोल सैंड लेके आया था, उसकी हेल्प से मैंने फटाफट से यहाँ पे विदर को स्पॉन कर दिया। एंड विदर के स्पॉन होते ही मैंने अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और मैं उस पर अटैक कर ही रहा था कि इसी बीच उसने मुझे विदर 2 का इफेक्ट दे दिया, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम हो रही थी। बट अच्छा हुआ मेरे पास गोल्डन एप्पल था जिसे मैंने फटाफट से खा लिया और यहाँ पे मैंने विदर का गेम खत्म कर दिया। एंड वहाँ से नेदर स्टार को कलेक्ट करके हम लोग सीधा निकल गए अपने घर के लिए। घर पहुंच के हम लोग बीकन को बनाने की तैयारी करने में लग गए। हमने फटाफट से सबसे पहले एक बीकन बनाया और हमारे पास काफ़ी सारा डायमंड्स था जिसे हमने ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया। साथ ही हमारे पास काफ़ी सारा आयरन भी था, हमने उसे भी ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया। एंड उन सबको कन्वर्ट करने के बाद एक फटाफट से हमने छोटा सा बीकन बना दिया 9x9 का एंड बीकन को एक्टिवेट कर दिया।
एंड उसके बाद हमने सोचा कि अभी भी कुछ दिन बचे तो क्यों ना एक प्यारा सा नेदर पोर्टल का डिज़ाइन बनाया जाए जिससे हमारा नेदर पोर्टल काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगेगा, इसलिए हमने अपना प्यारा सा नेदर पोर्टल बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड गाइस फाइनली हमारा प्यारा और खूबसूरत सा नेदर पोर्टल बनके रेडी हो चुका था। एंड यहाँ पे मैंने क्रिम्सन वाले ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया है, तो आप लोग क्रिएटिव बोलने से पहले ये देख लो, मेरे पास एक डायमंड की पिकैक्स थी जिसे मैंने बनाया था और उस पर इंचैंट किया था, उस पर मुझे सील टच मिला था जिसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे इन ब्लॉक्स को कलेक्ट किया। सो प्लीज़ क्रिएटिव नहीं बोलना। सो इसी के साथ गाइज फाइनली हमने सर्वाइव कर लिया है टोटल 100 डेज इन मशरूम ओनली वर्ल्ड। सो उम्मीद करते गाइज आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो पे मैं गाइज एम करता हूँ ओनली 1500 लाइक्स का, उम्मीद है आप इसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर दोगे। एंड गाइज आपको हमारा मशरूम वाला हाउस साथ ही हमारा प्यारा सा नेदर पोर्टल कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, टिल देन Goodbye.